हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, सलामत होंगे। तो गाइस ना अभी नहा के फ्रेश हुए हैं, अभी ना थोड़े लेट हो चुके हैं क्योंकि कल शादी में थे ना, तो काफ़ी थकान हो चुकी थी वैसे। और रात में भी हम शादी में गए थे तो वहाँ पर नाच गाना चल रहा था, तो वहाँ से भी बहुत लेट आए। गाइस अभी फिलहाल चाय वाय पीते हैं और रोज़ की तरह आज भी दुकान पर जाना पड़ेगा। गाइस बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि भाई एक जैसा वीडियो रोज़ की रोज़ बनाते हो। गाइस इंट्रो और एंडिंग तो एक जैसी ही रहती है, आप सभी को पता है, बीच में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, टाइटल ढूंढने के लिए सोचना पड़ता है। तो गाइस अभी है ना दुकान नहीं बंद कर सकते, अगर दुकान बंद करेंगे तो फिर क्या होगा, घर खर्चा कैसे चलेगा, और अभी लोगों का लेना देना भी है, बहुत सारा कर्जा है, तो दुकान को साथ में लेके चलना पड़ता है, दुकान को खोलना पड़ता है। और गाइस अभी है ना इतने बड़े यूट्यूबर नहीं बने हैं, इतनी कोई तनख्वाह नहीं आती है कि अभी दुकान को बंद किया जा सके। जो यूट्यूब से अर्निंग होती है ना 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार, वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। काम करते हैं, साहिबा को है ना सही से सुलाते हैं, साहिबा असद के ऊपर आ जाती है बार बार। ये देखो ये सब सोया है और ये साहिबा है। साहिबा ए साहिबा, चलो ठीक है, मेरी चाय बननी। तो गाइस चाय बन गई है मेरी, चाय पीते। ये नहीं मेरी चाय। गाइस अगर सुबह सुबह चाय ना पियो ना तो ऐसा लगता है कि सुबह ही नहीं हुई है। चाय वाय तो हो चुकी है, चाय वाय तो रोटी मोटी कपड़े वपड़े भाई ये ना बोलने में आ जाता है, मतलब कुछ अजीब सा शब्द है ये। जैसे चाय पीते हैं तो चाय वाय पी रहा हूँ, खाना खाते हैं खाना वाना खा लेता हूँ, कपड़े पहन कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ, तो ये मतलब कि मेन शब्द के पीछे दूसरे शब्द आ जाते हैं, पता नहीं है किसने आविष्कार किया है इसका। ये हमारे इंडिया में ना ऐसा चलता रहता है, ये बहुत छोटी बात है हमारे लिए। तो ठीक है गाइस निकलते हैं अभी। तो गाइस दुकान तो खोल चुके हैं, अभी है ना ये कूलर के अंदर पानी खत्म हो चुका है और गर्मी इतनी भयानक हो रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि पानी लेने के लिए जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आज शाम को मेजबान पावना पाई सहित पूरे घर की दावत है, असर बाद निका है और मगरिब बाद खाना खाने की दावत है। आप आए वहाँ पे, निका में भी आए और खाना खाने भी आए, और मुबारक भाई का रास्ता नहीं देखे कि बाद में खाना खाने का बोलने नहीं आए, ठीक है नहीं? गाइस आज भी हमारे यहाँ मतलब आज भी दावत है हमको, ये भाई साहब दावत देने के लिए आए हैं, तो जैसे शाम की दावत है तो सुबह भाई साहब आएंगे है ना। तो अभी तो हम फिलहाल क्या करते हैं कि पानी लेके आते हैं, ये रहा डब्बा पानी का। यार वाह यार मजा ले रहे गाइस, ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं। ये डाले डाले ये भी ना करे डाले, ले जरा इसको धो तो। तो ये काम करता हूँ, पानी भी पी लेता हूँ, ठंडा बहुत पानी है। यार पकड़ पकड़ यार मुझे जा नहीं जो हमारा कूलर है ना धक्के मार कूलर है, जब मत चला रहे हम हेलो।
थोड़ा पानी इसमें डालते हैं क्योंकि इससे ना पंचर वंचर जोड़ते हैं हम। हाँ हाँ मज़ा आ गया गाइस, मोटर चल रही है, चल रही चल रही है, पानी आ रहा है गाइस, देखो मोटर में। अभी है ना टाइम 4:15 हो रहे हैं और दुकान बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी है और आज बारात आ रही है तो शादी में जाना है हमको। फटाफट फ्रेश होते हैं और शादी में निकलते हैं, सामान उठाते हैं। क्या हो गया भैया? आवाज़ चेक कर, बढ़िया है यार हवा तो ठीक है। हाँ ठीक है, अगले में भी ठीक है यार, ये है ना। धन्यवाद। अरे कोई बस बढ़िया, अभी तो भरी धन्यवाद बोल रहा हूँ। चल ठीक है ना। तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं शादी में जाने के लिए और है ना अभी अभी पता चला है कि बारात आ चुकी है। क्यों असल दूल्हा दूल्हा आ चुका है। ये है सनाया और सनाया की चोटी देखो किसी करी जुड़ा है। हाँ तेरा भी जुड़ा है। हाँ चले चलो 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 चलो। भाई शादी में आ चुके हैं, देख सकते हो आप कितना बड़ा मंडप लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। और गाइस अभी है ना निकाह की तैयारी हो रही है, पहले निकाह होगा उसके बाद खाना होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये है यहाँ का टेंट और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है गाइस। हाय भैया, हाय, क्या हाल चाल है? तो गाइस मैं अंदर जाता हूँ आपको दहेज वहेज दिखाता हूँ। तो गाइस ये है दहेज बेटी के बेटी को देने के लिए, इतना सारा आइटम है देखो। और कुछ आइटम घर में भी रखा हुआ है। गाइस यहाँ पर होगा निकाह, अभी निकाह की तैयारी हो रही है, सब लोग है ना वेट कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली दूल्हा आ चुका है और अभी है ना कुछ ही देर में निकाह होने वाला है। अभी है ना थोड़ी जो निकाह की प्रोसेस है वो पूरी हो रही है, कुछ ही देर में निकाह हो जाएगा, उसके बाद खाना होगा, उसके बाद रवानगी होगी। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है जब निकाह होता है, एक बेटी का मतलब एक बाप का बहुत बड़ा फर्ज अदा हो जाता है।
तो बहुत ही खुशी होती है गाइस। तो गाइस निकाह भी हो चुका है और ना अभी दूल्हे से सब गले मिल रहे हैं। तो गाइस एक काम करता हूँ, मैं भी मिल लेता हूँ। पप्पा का नाम तस्लीम पहलवान। तो गाइस है ना निकाह विकाह भी हो चुका है, दूल्हे से भी मिल लिए और जो दहेज वहेज लिखवाना था दहेज तो नहीं लाया हूँ मैं, पैसे वैसे मिले लिखवा दिए हैं, पापा के नाम से लिखवाए हैं। और अभी चल रहा है फिलहाल खाना, तो खाना वाना खाते हैं उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। अभी खाना चल रहा है, देखो ये चल रहा है अभी खाना। ये जब पार्टी जब उठेगी ना उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं घर और साहिबा ने क्या किया पता है आपको, जो वहाँ पर है ना हार मार रखे थे ना वो पहन के आ गई है और दुल्हन बन गई है। क्यों साहिबा क्या बन गई? दूल्हा बन गई। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा।